हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनपी पियानो मिक्स गान चैनल। तो आज आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा हम किस तरह की फोटो एडिट करने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले कोई फोटो एडिटिंग की वीडियो अपलोड नहीं की है, मैंने सोचा चलो इसको कर देते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि कैसे एडिट किया हमें बताओ, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको जल्दी मिल सके। तो सबसे पहले हम अपनी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। ये पिक्चर है जो मैंने क्लिक की थी, ठीक है। तो इस तरीके आप कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड इरेज करना होगा। और बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं वो मैं आपको, आप पिक्सार्ट से भी कर सकते हैं या एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये इमेज देख ली होगी किस तरीके की आपको इमेज क्लिक कर ली है, उसके बाद इसका आपको बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। तो बैकग्राउंड मैंने इरेज करके पहले से ही रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको बैकग्राउंड इरेज वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको बैकग्राउंड इरेज करना है। ये आपको कोई अलग अलग तरीके के टूल मिल जाते हैं, ऑटो, मैजिक और मैनुअल। तो ऑटो में ऑटोमेटिकली ले लेगा जो जो भी आपको इसमें इरेज करना है। मैजिक में क्या होगा कि इस तरीके से देखो ये एडिट अपने ऑटोमेटिकली इसका जो बैकग्राउंड है इरेज कर देगा इस तरीके से। जल्दी जल्दी आपको कर लेना है इस तरह से। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हो रहा है आपको इसमें। ये पिक्सार्ट से बहुत आसानी से हो रहा है, पिक्सार्ट में थोड़ा आपको लाइनिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली कितनी आसानी से हो रहा है, बहुत ही आसानी से करना है क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम पड़े। इस तरीके से आपको कर लेना है, मैं जल्दी जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको डन कर लेना है। आपको इस तरीके से नहीं करनी है, आपको पूरा अच्छे तरीके से इरेज करना है, ठीक है। तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। इसके बाद आप कर लेंगे तो आप सेव कर लीजिएगा इसको। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने इमेज पहले से कर रखी है। तो इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने पहले से सेव दूंगा कहाँ से मैंने उसको डाउनलोड करना है। मैं आपको ड्राइव में इसका लिंक दे दूंगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज है, ये वाली है, ये वाली है, ठीक है। और ये कोई से भी आप चाहे तो थंबल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये वाला हम बैकग्राउंड इसका रखेंगे। और इसमें हेयर वगैरह भी आप देखो बहुत सारे मैंने इसे डाउनलोड कर रखे हैं, तो आपको ये हेयर वगैरह की भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जिस तरीके आपकी पिक्चर होगी। अगर उस पर आपको ये सेट लग रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए, तो बैकग्राउंड मैंने इरेज पहले ही कर लिया। देखो ये इरेजर से इस तरीके से कुछ आपको कर लेना है। और लाइटिंग वगैरह आप चाहे तो उसकी बढ़ा सकते हैं पिक्सार्ट में, या अगर पिक्सार्ट यूज़ करते हैं तो आपको इतना पता होगा कैसे आप इसकी लाइटिंग वगैरह थोड़ी बढ़ाते हैं, या मैं आपको अलग से बता भी दूंगा। इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं लाइट रूम का भी यूज़ करने वाले हैं, आपको एप्लीकेशन दिख रही होगी इसका और पिक्सार्ट का, ठीक है। तो चलिए पिक्सार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो पहले जो भी इमेज है हमें उसमें जाना होगा, तो इमेज में अभी ये वाली ओपन कर लेता हूँ। इस बहुत सारे तरीके हैं आपको जो है ना, न्यून ऐप आपको सारे मिल जाते हैं, आप डाल लेना गूगल पर, आपको बहुत सारे देखो अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे ये सभी तरीके के। तो पिक्चर में ओपन कर लेता हूँ, जो भी हमें पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड इरेज जो भी ये वाली हमने ले ली है, ठीक है। इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको अभी पिक्सार्ट में ओपन कर लेता हूँ। पिक्सार्ट में ओपन करने के बाद आपने जो इमेज जो है वो मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल इसको ऐसा कर लेता हूँ। तो आपने जो पिक्चर है जो इरेज की थी वही वाली पिक्चर आपको यहाँ पे लगा देनी है, जो कि कुछ इस तरह से आई है। देखो मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है इसमें, तो आपको जो है ना इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, इसको फ़ोटो को फिर ऐसे सेव कर देना है यहाँ पर जाके। और इसमें एक सेव का ऑप्शन आएगा, आप इसको सेव कर लीजिएगा या डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन आता है ना ये वाला ड्रॉ का, ड्रॉ में जाके आप इसका ऐसा करके पिक्चर को ऐसे सेव कर सकते हैं। हर पिक्चर सेव हो जाएगी। अब मैं इसको काट देता हूँ, पूरे उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो कुछ हमारी पिक्चर जो है वो इस तरह से बन के आ जाएगी। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी पिक्चर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। देखो अभी जो है वो पिक्चर हमारी ये वाली है, नॉर्मल है, बस मैंने बैकग्राउंड पे इसको लगा दिया है। लेकिन इसमें ये वाली पिक्चर मैं इसमें लगाऊंगा, मैंने इसमें कलर करेक्शन भी किया है। उसके जो देखो आपको हेयर दिख रहे हैं ये भी मैंने इसमें चेंज किए हैं, दिख रहा है ना। तो चलो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि मैंने ये पिक्चर ऐसी थी पहले और बाद में हमने ऐसी कर दी, कैसे करेंगे। अब इसी को हम पिक्सार्ट में ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसका हमें कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन कैसे करेंगे, अब ये टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जितना है ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटेस्ट वगैरह कर लेना है अपने हिसाब से, जितनी भी आपको अच्छी लग रही है क्लैरिटी वगैरह दे देंगे जितनी क्लैरिटी देनी है। और इसमें सिचुएशन देखो आपको जो है ना फेस वगैरह का सिचुएशन वो कम रखना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसका ज़्यादा कर लिया है तो ज़्यादा मुझे केवल कपड़ों का देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इरेज का ऑप्शन मिलेगा, फिर मैं यहाँ से चेहरे पे से हटा देता हूँ ज़्यादा कलर जो हो रहा है, और हैंड से भी सारे हटा लेता हूँ। इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ।
ऐसे ओके कर देना है। उसके बाद चाहे तो उसका ह्यू आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें। उसके बाद हाईलाइट वगैरह, कितनी हाईलाइट रखनी है और इस तरह से, थोड़ा हम ब्लू बैकग्राउंड देंगे, हल्का सा ब्लू, ठीक है। इतना करने के बाद जब ओके करेंगे उसके बाद आपको इसमें जो है चेहरे का कलर वगैरह कर लेना करेक्शन, इस तरीके से करने के बाद, ठीक है। तो पिक्चर हमारी वो बन जाती है और अपने अकॉर्डिंग आप कलर करेक्शन कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने तो, मुझे ये वाला अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको कर लिया है। उसके बाद जो पिक्चर हमारी इस तरह से बन के आ जाएगी। सॉरी, मैंने आपको उसमें हेयर लगाना नहीं बताया है, तो हेयर कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, हेयर कैसे लगाएंगे इसी में। तो देख लो, मैं थोड़ा इसको ऐसे घुमा लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना पिक्चर जो थी हेयर वगैरह की, तो मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ। वो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, तो मैंने जो इसमें यूज़ की थी वो ये वाली पिक्चर यूज़ की थी, ये वाली। तो इसको ऐड करा देता हूँ। अब देखो आपको दिख रहा होगा, बस इसमें आपको अच्छे तरीके से अपनी पिक्चर को लगाना है। अब जैसे कलर वगैरह इसका थोड़ा अलग हो रहा है, तो कलर देखो उसका डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है ना, तो कलर चेंज करने के लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना है और इसको ब्लैक कर लेना है। क्लैरिटी वगैरह थोड़ी कम कर लेनी है और कंटेस्ट थोड़ा बढ़ा देना है, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको कर, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसको फिर आपको छोटा बड़ा कर लेना है। ये आपको बहुत ही उससे करनी होगी, देखो इस तरीके से है कुछ वो जो मैंने लगाई थी, ठीक है। या इसको आप स्क्रैच ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, दिख रहा होगा ना वो ऐसा है, बट मैंने उसमें कलर चेंज किया है, ठीक है। तो पिक्चर आपको उस तरीके से बना लेनी है, सेव कर देना है पिक्चर को। उसके बाद आपको जो पिक्चर मिलेगी, तो पिक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी जो हमने एडिट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो पिक्सआर्ट में हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम, तो इसमें हम अब जो है हमारे इफेक्ट्स वो लगाएंगे, तो इसमें जाके इसको ऐड कराएंगे। तो जो पिक्चर है ये वाली, ठीक है, ऐड करा लिया इसको। अब देखो इसमें क्या करना है, तो अब ये बैकग्राउंड जो उसका है ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लाइंड का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप कर लेने स्क्रीन। तो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये रख लेना है कैसे आपको करना है, ये छोटा बड़ा ज़्यादा जैसे भी आप करना चाहें एडजस्टमेंट कर लेना है। इन सभी का लिंक आपको वैसे मैं जैसे बता दिया डिस्क्रिप्शन में ले ले। तो देखो मेरा जो राइट हैंड है ना वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो इसको जो हम बदल लेंगे, रोटेट कर लेंगे, तो मैं इसको पूरे को रोटेट कर रहा हूँ, इधर का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं ऐसे। अब देखो जो हाथ से आ रहा है इसको रिमूव कैसे करेंगे, आपको ये वाली टूल मिली है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ऐसे जो हेयर पर आ रहा है इसको इस तरीके से, आपको हार्डनेस को ज़्यादा बढ़ा लेना, हार्डनेस को थोड़ा बड़ा कर लेना है और उसको ऐसे कर लेना है। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे इस तरीके से, बड़ी आसानी से आप इसको और अच्छे से कट कर लेंगे, हटा देंगे ऐसे। तो आप इसको अच्छे से हटा लेना है, मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ, ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको इसको चेहरे से भी हटाना है, ऐसे आपको सही से कर लेना है। क्योंकि देखो जैसे अगर यहाँ कान के पास आपको दिख रहा हट गया, तो आपको ये रिपेयर वाली टूल ले लेनी है और ऐसे कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जगह जगह से हटा लेनी है, और जैसे ये है उंगली पा रही है तो इस तरीके से, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से आप कर लेना। मैंने आपको केवल शॉर्ट तरीका बताया, इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर वाला वो लगाना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे वो आगे आ रहा है तो उसको यहाँ से भी हटा देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसको भी डन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो लगाना है वो अलग से जो लगाना है, इसके ऊपर एक और पिक्चर लगाएंगे, कौन सी वाली जो मैंने आपको बताई थी ये वाली, इसको भी ऐड करा देता हूँ मैं। तो देखो इसको भी बैकग्राउंड इसका इरेज करना, ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना इसके पीछे, तो इसके लिए आपको ब्लाइंड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है और ऐसे आ जाएगा ही, ये जैसे था उसको वैसे रहने देना है। इसको पकड़ना है और ऐसे करेंगे इसको, दिख रहा है इस तरीके से। और जो हमने अलग से ऑप्शन लिए थे वो कैसे लेंगे, इसको मैं वैसे का वैसे कर देता हूँ क्योंकि सेट नहीं हो रहा है। आपको सेट कर लेना है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा पिक्चर कैसी बनी है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। और उसके बाद आपको जो उसमें अलग से ऑप्शन लगाने, मैं इसको भी डन कर लेता हूँ इस तरीके से। फिर ऐड करेंगे जो मैंने आपको ये अलग से बताए थे, कौन से वाले ऑप्शन, ये वाले, और इसको ऐड करा लेता हूँ मैं, दिख रहा है ना। इसको भी क्या करना है, वैसे ही ब्लाइंड पे जाके स्किन करेंगे और एक एक करके कैसे लेंगे, आपको क्रॉप का ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा होगा, क्रॉप। तो क्या क्रॉप करना है, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब वाला ले लेता हूँ ऐसे,
ठीक है, और इसको मैं डन कर रहा हूँ, और ये पकड़ के आपको ऊपर की तरफ ऐसे रख देना है, थोड़ा फ़ोटो को जूम करके इस तरह से, ठीक है। और फिर बाद में इसको डन कर लेना है, उसके बाद फिर से इमेज लेनी है वही वाली, ये ऐसे, और फिर से आपको ऐसे कर लेना, मतलब धीरे धीरे सब कुछ को उसको लगा देना है। इसको स्किन कर लेंगे, फिर इसको क्रॉप करेंगे इस तरह से, तो आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको सर तरफ से लगा लेना है, उसके बाद जब पिक्चर आपकी कैसी दिखेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो है इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। अब इसका हम कलर करेक्शन कर लेंगे। कलर करेक्शन कैसे करेंगे, तो यहीं पे आप इसमें इमेज में जाके, तो अपनी कोडिंग, यहाँ से देखो सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इमेज को बना सकते हैं और अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।